वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और मैं हूं अभी मेरी फेवरेट प्लेस मलिकताल रोइंग बोट स्टैंड पे। और अभी के समय देखें यहां पे मौसम जो कि है जस्ट ललिताल की तरफ से कोहरा आ रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैं आपके साथ जल्दी से सबसे पहले ये व्यू शेयर करता हूँ, उसके बाद चलेंगे नैनीताल द हेरिटेज मार्केट बड़ा बाज़ार। और आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और देखें ललिताल की तरफ से काफ़ी शानदार जो कि है कोहरा आ रहा है और रियलिटी में बहुत और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अभी के समय देखें इस कॉर्नर से कुछ इतने पर्यटक सैलानी यहाँ से जो कि है नौकायन के लिए जा रहे हैं। और देखें बहुत ज़्यादा बोट्स हैं लेक में। और ये देखें कुछ इतनी रफ्तार से ये जो कि है फॉग ललिताल की तरफ को आ रहा है। और आइए आजकल जो कि है फ्लैट्स में रॉक क्लाइंबिंग वॉल जो कि है आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग वॉल वो भी ऑपरेट शुरू हो गया है उसका, उसमें जो कि है क्लाइंबिंग। और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आइए सीधे सबसे पहले उधर ही चलते हैं, फिर चलेंगे बड़ा बाज़ार द हेरिटेज मार्केट। और आइए आ गए हैं हम मेन एंट्रेंस में बड़ा बाज़ार द हेरिटेज मार्केट। और आइए अंदर की तरफ चलते हैं और ये मार्केट देखें, इस्टेब्लिश्ड है 1845 की। और ये देखें ये ब्रिटिश कालीन मार्केट है और तब से यहाँ पे जो कि है ये मार्केट सिचुएटेड है। और स्टार्टिंग में यहाँ पे देखें तो ये काफ़ी सारे स्टोर्स हैं और आउटलेट्स हैं और फ्रूट्स का शॉप है यहाँ पर शुरू में ही। और मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल स्टोर, MI का स्टोर है ये नेक्स्ट वाला। और इधर की तरफ देखें तो ये आपने रामलाल ब्रोस का जो कि है आउटलेट है और ये भी आपने हल्द्वानी में भी देखा होगा। और काफ़ी यूनिक यहाँ की जो कि है क्लोथिंग रहती है। और यहाँ पे देखें इसी के जस्ट अगेन में ये सुपरमार्केट है और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें अवेलेबल रहती हैं तो देख सकते हैं। और ये है वॉच रिपेयरिंग और एज वेल स्टेशनरी। और देखें द हेरिटेज मार्केट में काफ़ी सारे आपको रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे बैक टू बैक। और सरस्वती का ये रेस्टोरेंट है सबसे फर्स्ट में यहाँ पे। और नेक्स्ट जो रेस्टोरेंट्स हैं वो हैं शिवा रेस्टोरेंट जो जल्द ही आने वाला है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो धीरे धीरे मूव करता हूँ ताकि आप देख पाएंगे यहाँ पे कैसी शॉप है और यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें आप खरीद सकते हैं। और ये एरिया है बैक टू बैक पूरी शॉप्स हैं यहाँ पे फुटवेयर्स की, हर एज ग्रुप के लिए बॉयज़ वुमेंस
इवन किड्स के लिए आपको यहाँ पे फुटवेयर अवेलेबल रहते हैं। और सामने ही नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड ब्यूटी पार्लर है, यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं गुड लक हेयर सलून। और देखें तो गुड लक हेयर सलून के जस्ट नेक्स्ट में हम पहुँच गए हैं अनुपम रेस्टोरेंट। और यहाँ पे ये देखें, ये रेस्टोरेंट का सेकंड एक ब्रांच है, तो बाबा नीत करोली महाराज कैंची धाम के वहाँ पे इनका आपको प्योर वेजिटेरियन ब्रांच देखने को मिलेगा और जस्ट 10 कदम में है। और यहाँ पे देखें अनुपम रेस्टोरेंट के जस्ट अपोजिट में शिवा रेस्टोरेंट प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और बहुत ही अमेजिंग और हाइजीनिक डिलीशियस फूड ये आप लोग को सर्व करते हैं। और यहाँ इस एरिया में, इस मार्केट में वन एंड ओनली है वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। और आइए हम बलीताल द हेरिटेज मार्केट से होकर के गली के रास्ते और ये इस मार्केट में आ गए हैं। तो ये देखें बीच की मार्केट है ये, और यहाँ पे काफ़ी ये जो कि ओल्ड मार्केट है, और यहाँ पे आपको ज्वेलर्स और किराने की शॉप, तो देखें राशन की यहाँ पे दुकान है और कुछ ऐसा ये एरिया है। और ये जो रोड है आपको सीधा कनेक्ट करती है मलिताल खड़ी बाज़ार, और आगे से मैं आपको दिखाता हूँ। देखें कुछ ऐसा मार्केट है ये, आगे वाले कॉर्नर से ही मैं कुछ जोड़ लेता हूँ। और यहाँ पे देखें तो इस मार्केट में सबसे ओल्ड जो की है, और ये नमकीन का शॉप है, और यहाँ पे काफ़ी जो की है अच्छी ब्रांड की, देखें सामने ही तल रहे हैं, तो ये देखें तो बवाड़ी शॉप देखें, और बड़ी ही फेमस और ओल्ड ये शॉप है, और ये नमकीन के लिए बहुत ही फेमस है। और आप जब भी इस मार्केट में आएँ तो आप यहाँ से नमकीन खरीद सकते हैं। यहाँ से शुरू हो जाता है खड़ी बाज़ार का एरिया, और यहाँ पे ये मेडिकल जर्नल जो कि है स्टोर, यहाँ पे आपको पैच के लिए जो कि ये चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, तो ये देखें। और आइए हम पहुँच गए हैं खड़ी बाज़ार, और ये देखें अभी जो सनसेट का समय ही होने वाला है, और यहाँ पे अभी लाइट्स नहीं जल रही हैं और सारी शॉप्स पे हैं। देखें यहाँ की स्पेशलिटी ही यही है जो कि हैं, सारे शॉप्स के साइन बोर्ड हैं एक जैसे हैं, और जब भी शॉप्स क्लोज होती हैं तो इनमें हमारे जो कि कुमाऊनी कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। तो आइए थोड़ा सा नीचे तक चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे है आर्टिस्ट ने आर्ट अपनी क्रिएशन से काफ़ी सुंदर जो कि है कुमाऊँ को रिप्रेजेंट किया है। और एज वेल मैं आपको एक वीडियो आपका लिंक कर दूंगा जो मैंने पुराना वीडियोस बनाए हैं उसमें से, तो आप देख पाएंगे। तो देखें हम यहाँ पर पहुँच गए, तो कुछ इस तरीके से इन शॉप्स के शटर्स में ये आर्ट्स बनाई गई हैं। और इस मार्केट में देखें तो यहाँ पे आपको क्लोथ्स, क्रॉकरीज, रेस्टोरेंट्स और ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। और यहाँ पे बैठने के लिए जो कि है सीटिंग प्लेसेस अरेंजमेंट भी है, और ये जो कि किया गया है रोटरी क्लब द्वारा, और काफ़ी ही अच्छा इनिशिएटिव है रोटरी क्लब का। और ये देखें यहाँ पे फ्लावर्स पॉट्स लगाए गए हैं, और चेयर्स बैठने के लिए सीट्स अवेलेबल हैं, तो ये देखें। और ये काफ़ी फोटोजेनिक प्लेस है, शाम को यहाँ पर काफ़ी सारे जो कि हैं टूरिस्ट फोटोग्राफी भी करते हैं। और आइए अगर इस इन सीढ़ियों से आप ऊपर की तरफ जा करके चलते हैं तो आप सीधे ही कनेक्ट हो जाते हैं द हेरिटेज मार्केट बड़ा बाज़ार में। और यहाँ पे देखें इन जो कि स्टेयर्स हैं, यहाँ पे एक फेमस रेस्टोरेंट है वेजिटेरियन नेगी रेस्टोरेंट, और आपको यहाँ पे कुल्हड़ का वाला दूध अवेलेबल रहता है, तो ये देखें। और ये दूध शाम को ही आपको मिलता है। और यहाँ पर ये देखें शटर में बहुत ही अच्छा आर्ट क्रिएशन है। और ये आ गए हैं हम द हेरिटेज मार्केट। लेट्स एंड अप दिस वीडियो एंड सी यू एवरीवन इन द न्यू वीडियो, और जल्दी ही मिलूंगा अपने नए वीडियो में। एंड टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स।